तो जैकपॉट ट्यूब के इस एपिसोड में देखिए जन्नत के फैंस के कुछ सही और कुछ बकवास कमेंट्स, दानी जहन को आज भी लोग ये कैसे याद कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ होंगे इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो व्हाट्स अप नामी, दिस इज प्रशांत, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जन्नत सुबैर के बारे में। आपको पता होगा 3 महीने पहले मैं गया था बिग फैम जैम टू अटेंड वो वाला इवेंट। तो उस इवेंट का जो मैंने वीडियो डाला था तो वीडियो वायरल हुआ और उसके ऊपर 800 प्लस कमेंट्स आए। ऐसे ऐसे कमेंट्स मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करें, कुछ रिएक्शन दे उस पर। तो हाँ, उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बिना कोई समय का वीडियो को स्टार्ट करें। तो मैंने जो भी कमेंट्स आए थे वो सब कमेंट्स का एक लिस्ट बनाया, मतलब एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने सेव करके रखा है ताकि मैं आप लोगों के साथ बता सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले जो कमेंट आया था वो ऐसे कुछ, मतलब मैंने लिस्ट बनाया तो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला कमेंट है ये, हु इज बेस्ट जन्नत लाइक रीम कमेंट। रीम कौन है? हु इज द बेस्ट जन्नत जुबैर लाइक अवनीत कौर कमेंट। मतलब इनका अलग ही स्टैटिस्टिक्स चालू है, मतलब दुनिया में बट इनका तो अलग ही चालू है, अपना ही अलग से स्टैटिस्टिक्स खोल के बैठे हैं। पता नहीं लोग क्यों करते हैं, इसने इससे उनको क्या मिलता है, आई हैव नो आइडिया। तुम लोग मतलब मेरे ही वीडियो खोल के नहीं देखो, कोई किसी का भी वीडियो खोल के देख लो, सब में आपको ये टाइप का कमेंट मिलेगा, लाइक फॉर दिस कमेंट फॉर देम। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे फॉर जन्नत जुबैर परफॉर्मेंस, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, अच्छा परफॉर्मेंस, नाइस परफॉर्मेंस, दिस एंड दैट। तो एक एग्जांपल था, दिखा देता हूँ मैं, तो लाइक दिस कि इसने कमेंट किया है निकिता दिलीप, सो शी इज राइटिंग जन्नत सुपर। तो और एक दिखा देता हूँ, तो वापस उसका ही कमेंट है, जन्नत बेस्ट, वापस उसका ही कमेंट है, जन्नत क्यूट। एक मिनट, वापिस और फिर वापिस, फिर वापिस, फिर वापिस, फिर वापिस, वापिस, रुको जरा, सबर करो। बट यार ऑनेस्टली स्पीकिंग जन्नत परफॉर्मेंस वॉज नाइस, मतलब पूरे जो भी वहाँ पे पब्लिक आई थी वो सारे परफॉर्मेंस जन्नत के लिए वेट कर रहे थे, मतलब शाम से रात तक, रात में हुआ था ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास परफॉर्मेंस हुआ था, एंड शाम से लोग चिल्लाने लग गए थे कि उसका परफॉर्मेंस लाओ, उसका परफॉर्मेंस लाओ, बट आगे फाइनली तो उसका परफॉर्मेंस वाज नाइस एंड हाईलाइट था वो पूरा इवेंट का। तो अभी मेरा जो वीडियो था उस वीडियो में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कमेंट्स वाज फॉर हर। तो या तो अभी आते हैं मेरे फेवरेट कमेंट्स टॉपिक के ऊपर, विच इज हेट कमेंट्स। इतना सही सही हेट कमेंट्स आए ना, 80% ऑफ द हेट कमेंट्स वाज फ्रॉम द गर्ल्स, क्यों इतना हेट थी। तो चलो एक एक करके बताता हूँ, बहुत मजा आएगा तो पूरा एंड तक देखना। फर्स्ट कमेंट, बकवास लड़की है जन्नत जुबैर। ओके, नेक्स्ट कमेंट, ईयू। नेक्स्ट कमेंट देखो, आई हेट जन्नत जुबैर, उसको फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लाइक मी, फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कमेंट देखो, कितना ओवर रिएक्ट है बाबा, जन्नत आवाज अच्छी नहीं है तुम्हारी, सुरताल नाम की भी चीज होती है, मतलब ये भाई, ये जो भी है भाई या बहन, बता नहीं सकता हूँ नाम, तो जो भी है बहुत डीप गया, मतलब सुरताल पे तक पहुँची है भाई बहन, जो भी हो मेरे को भी सिखा देना और उसको भी सिखा देना। अगला देखो, अगला दोनों लड़कियों का कमेंट है और देखो बहुत मजा आएगा, बकवास बिल्कुल, नीचे लिखी है दूसरी लड़की ने, ओवर एक्टिंग की दुकान। मतलब क्यों हेट कर दो यार इतना, मतलब आपस में लड़कियां इतनी क्यों हेट करते हैं, कि यहाँ पर ही नहीं सब जगह पे यही होता है, मतलब बाहर निकलो तो भी आप देखोगे तो यही होगा। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, नेक्स्ट कमेंट है, यार वाई शी वॉन्ट्स टू बी मल्टी टैलेंटेड, एक्टिंग ही इतनी अच्छी करती है पर फिर सिंगिंग क्यों, पर से नाक से गाती है, हेट एट इट्स पीक, मतलब छप्पड़ फाड़ के हेट है ये कमेंट पे, छप्पड़ फाड़ के हेट है। तो अगर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बंद करो ये हेट फैलाना, ठीक है, अगर आप हेट किसी को कर रहे हो तो तब भी करो जब आप दूसरे को कम्पीट कर सकते हो,
जस्ट लाइक अवनी सॉरी। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, बॉय इज नॉट अप टू द मार्क। अरे यार राजू की, राजू तो इधर है ही नहीं, वीडियो कॉल करता हूँ उसको और बोलता हूँ क्या कमेंट दिए कि बस कर, हेट कमेंट बहुत भेज दिए। वीडियो कॉल करके पूछता हूँ राजू को कितने हेट कमेंट्स भेजे यार, लेट्स सी क्या बोलता है। अरे राजू यार कितने हेट कमेंट्स भेजे यार, तो बोला ना कि कट कर दिया, तो मिलता हूँ बाद में मिलता हूँ। सो नेक्स्ट सेट ऑफ कमेंट्स वॉज फॉर आवर लेजेंड। अभी थोड़े लोग बोलेंगे यार उसको लेजेंड क्यों बोलते, बट हाँ मैं तो लेजेंड बुलाऊंगा ही। तो नेक्स्ट आपको पता चली होगी अगर लेजेंड मतलब कौन, दानिश ज़ैन। तो आउट ऑफ 800 कमेंट्स 400 कमेंट्स वॉज जस्ट फॉर दानिश ज़ैन। तो कमेंट देख लो, जो दानिश ज़ैन का सॉन्ग गाया वो मैंने 100-200 बार देखा, आई लव इट। सेम यार यहाँ, तो जब जन्नत ने वो गाना गाया था ना सब किया, तो पूरी पब्लिक पागल हो गई वहाँ पे। एंड देखो अभी मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे, तो गाना इतना ज़्यादा सही था ना कि सारे पब्लिक वहाँ पे गाना गा रही थी। एंड इतना ज़्यादा कमेंट्स भी आए ना, तो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ 300 से ज़्यादा कमेंट्स दानिश ज़ैन के लिए आए। देखो प्यार दिया शाम तू किथे की दे नाल होना यहाँ, देखिया मैं फोटो विकार दिया मैनू डर जिया लगदा। सो नेक्स्ट सेट ऑफ द कमेंट्स जो है वो है ऑटो ट्यून के ऊपर। फर्स्ट कमेंट है इतना सड़ा गाती है इसलिए ऑटो ट्यून है। सिंगिंग एक ऐसा चीज है ना जो हर कोई कर नहीं सकता, जो कर सकता है वो ग्रेट है। एंड सिंगिंग में हमेशा ऑटो ट्यून और लिपसिंग यूज होता ही है। ऑटो ट्यून आजकल सभी बॉलीवुड सॉन्ग्स में होता ही है, कोई भी सिंगर ले लो ऑटो ट्यून यूज करता ही है। और लिपसिंग की बात है, लिपसिंग हमेशा एक कोई भी कॉन्सर्ट है उसमें यूज होता ही है लिपसिंग, क्योंकि परफॉर्म भी करना होता है, गाना भी गाना होता है, तो यूज तो होता ही है। सो ऐसे कमेंट्स करना बंद करो। नेक्स्ट में देखो ऑटो ट्यून एट पीक। मैं एक चीज इन जनरल बात करना चाहता हूँ, लोग हमेशा दूसरों की जो बुराई है वो हमेशा क्यों करते हैं, मतलब लोग दूसरों का एफर्ट्स है उस पर हमेशा अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं, दूसरों की जो बुराई है या फिर गलतियाँ हैं उसको पिन पॉइंट करके बराबर मार्क करते हैं, क्यों मतलब इतना हेट क्यों करते हो। दूसरों की एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया करो, लोगों को अच्छा लगता है। एंड जितने भी अभी कमेंट्स थे ना वो भी 100% पूरे सारे लड़कियों की तरफ से ही थे ऑटो ट्यून और लिप सिंक के ऊपर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। कुछ नया ट्राई किया, कुछ हटके ट्राई किया, तो आप लोगों को पसंद आया ही होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं कर दिया तो ये रहा इंस्टाग्राम आईडी, जल्द से जल्द जाके फॉलो करो एंड बी अ पार्ट ऑफ नाडर आर्मी। एंड तब तक के लिए मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी अनोखे और डिफरेंट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन। एंड हाँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए थे बट मुझे वो कमेंट नहीं लेना है क्योंकि पहले ही बहुत से चीज़ें चालू है। अभी फेसबुक में आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम बहुत कुछ चालू है, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ, तो वो कमेंट्स मैंने अवॉइड किया। तो या आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बाय। Down when I'm pulling up, come around when I'm pulling up, in my town and I'm pulling up.